तुम्हारी वजह से हमें आधा घंटा लेट होना पड़ा। सॉरी यार, चलो जल्दी। बेल्ट नंबर 3 बता दो, जबकि आया था 1 पर। नीतो नीतो इनामों को चबा भी लेना। ओए लखनी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का मेरा ब्रेकफास्ट है मिसल पाव विद ये क्या होता है, वड़ा एंड सांबर। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल मैं कर रही हूं ब्रेकफास्ट। ये क्या है? ओट्स, आई मीन क्या है? तो अब टाइम आ गया है अलविदा लेने का और हमारी पैकिंग पीछे चल रही है, लेकिन पैकिंग पता कब तक अधूरी रहती है? जब तक होटल में से शैम्पू और वो जितने भी सामान होता है टॉयलेटरीज, वो हम वापस अपने घर ना लेके जाएं, जैसे कि ये। मैंने नीतू को बोला कि वो पैकिंग करे, मैं सारी चीज़ें इकट्ठे कर रहा हूँ। अच्छा मत यार, अब क्या है, अब करते हैं सब यार, क्या करूँ। ये देखिए कितनी सीरियस होकर पैकिंग करी, तेरा मन नहीं जाने का? बिल्कुल है। तो फिर गुची की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है, तो खुश तो हो? एक्चुअली ये है कि ड्रेसेस पहनी नहीं है। ओ, इस बात की तेरे को गम है? ये सब सामान अब पैक हो रहा है नीतू बिस्ट का, उधर मेरा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। नीतू कर दे पैक यार प्लीज। और मैं सोच रहा हूँ ये जो RVCG ने हमको ये हैम्पर दिया था, इसको कहाँ रखूँ, क्योंकि इतना मोटा है साइज में, बैग में शायद आएगा नहीं। कोशिश करता हूँ। ओह आ तो गया, लेकिन अब शूज रखने की जगह नहीं बची। नीतू अपने बैग में रख ले इसको यार। नहीं, इसका बैग तो ऑलमोस्ट फुल ही रहता है हमेशा। नीतू शुरू हो जा भाई, चल। क्या क्या सामान रखा है अभी? ब्रेड रहना नहीं चाहिए एक भी। Okay. कुछ भी सामान नहीं रहना चाहिए, ठीक है, आ जा। तो गाइज बहुत अच्छा था हमारा स्टे, और हमारा फर्ज बनता है कि आपको हम एकदम एक्चुअल रिव्यूज दें इस होटल के। तो ये होटल जिसमें हम रुके थे वो है JW मैरियट, जुहू चौपाटी पर ये होटल है। और यहाँ का जो हमें टैरिफ पड़ा वो था पर डे अराउंड 13,000 विद टैक्सेस, और उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज थी वो बताएगी नीतू। यहाँ पर जो सबसे अच्छा था वो था यहाँ का फूड, यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का पूल। तो अगर आप यहाँ से हमारी विंडो से देखोगे तो यहाँ पर आपको समुद्र दिखेगा। मतलब ये होटल का व्यू बहुत सुंदर है। एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आई वो है क्लीनिंग। जी हाँ, यहाँ पर ये लोग डस्टिंग अच्छे से नहीं करते हैं। जब मैं एंटर किया मैंने और मैं वॉशरूम गई तो वहाँ पर मुझे बाल दिखे, मतलब साफ सफाई नहीं है। अदरवाइज ये होटल बेस्ट है। अच्छा, वैसे मैं पिज्ज़ा नहीं खाती हूँ, मगर मैं यहाँ पर आई और मैंने एक टेस्ट किया तो मैं रुक नहीं पाई। मतलब हम लोग 3 दिन यहाँ पर रहे और तीनों दिन हमने एक बारी तो एक मील पिज्ज़ा का लिया, क्योंकि यहाँ का पिज्ज़ा बहुत टेस्टी है। इनफैक्ट यहाँ का सारा खाना अच्छा है, तो अगर आप आ रहे हो तो स्पेशली पिज्जा मत खाना, सब कुछ ट्राई करना। तो मैं दूंगी 10 में से 8 नंबर, क्योंकि मुझे क्लीनिंग में थोड़ी दिक्कत हुई, अदरवाइज फूड वॉज सुपर गुड। वेरी गुड। कैब कर दी बुक? चले अब सारा सामान चेक कर लिया ना, कुछ तो नहीं रहता। गाइज हम लोग मजाक कर रहे थे, हमने होटल से कुछ नहीं, मतलब थोड़ी मोड़ी चीजें ली है, छोटी मोटी, बाकी सब यहीं पर है। फ्रेंड्स आज हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, और गलती हमारी भी कि हम थोड़ा लेट निकले, लेकिन इतना बारिश में ट्रैफिक होता है मुंबई में, मेरे को अंदाजा नहीं था इस चीज का। देखो नीतू कैसे बैठी है पीछे। कोई ऑप्शन नहीं था, कार नहीं मिल रही थी, इसलिए हमें ये वाली कार लेनी पड़ी। अब भाई ने हमें बहुत जल्दी छोड़ने के लिए अपनी बुकिंग भी कैंसिल कर दी। गाइज एक्चुअली हम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए, काफी ज्यादा। मैं बता नहीं सकती कि हमारी फ्लाइट छूट भी सकती है आज अगर डिले नहीं हुई तो। हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है, थैंक गॉड। और हमारा लगेज देखो 41 kg। हम लोग आते थोड़े में हैं, जाते बहुत ज़्यादा में हैं, तो ऐसा हर टाइम होता है। तो लगन भागने के लिए रेडी? लेट्स गो, भागने के लिए रेडी? डेली का सीन है यार मेरा, मैं जरा अभी बस वो पे करके आ रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकता, जितना आज मतलब हमारे साथ चीज़ें बेकार हुई उससे ज़्यादा अच्छी हुई। हम इतना लेट आए, हमें जो कैब ड्राइवर मिले उन्होंने 2 बुकिंग कैंसिल करी और हमारी कैब ली, क्योंकि उनको पता था हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। हम एयरपोर्ट पर आए तो सिक्योरिटी वाले ने हमें बहुत जल्दी जाने दिया अंकल ने अंदर, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हमने अपनी मनपसंद की सीट बुक की हुई थी तो विस्तारा एयरलाइन ने उसके भी पैसे नहीं दिए। यार सच में सबसे अच्छी एयरलाइन है मुझे आज लगा। सच में यार आज मुझे पता चला, वरना मुझे ऐसा लगता था कि स्पाइसजेट अच्छी नहीं, विस्तारा इज द बेस्ट एयरलाइन। और दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो ये कि हमने जो हमारा सामान था ना उसका एक्स्ट्रा एक्सेस लगेज था हमारे पास, उन्होंने उसका भी पेमेंट नहीं लिया। मतलब आज कायदे में हमारे कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये बचे हैं। थैंक यू विस्तारा, थैंक यू सो मच यार, थैंक गॉड अपने कोई मिल गया। इसमें बैग रख लेते हैं, वहाँ हाँ ये भी रख लेता हूँ, ये हमारे कैमरा वाला बैग, लैपटॉप वाला बैग। चलो चलें थोड़ी शॉपिंग करते हैं। हम इतना डरे हुए थे, और थैंक्स टू गॉड कि अभी तक बोर्डिंग भी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने अभी पता किया, उन्होंने बोला 10 मिनट बाद बोर्डिंग स्टार्ट होगी। बिल्कुल पास में ही यहाँ पर काफ़ी सारे मैंने बैग्स की शॉप देखी, और मेरे को ना एक बैग लेना है जिसमें मैं कैमरा लेके ट्रैवल कर सकूँ। तो अलग अलग बजाते हैं तो ये तेरे पास रहेगा? हाँ यार बहुत अच्छी है। इसने पता है मेरे से लैपटॉप का बैग भी अच्छी नहीं है, मुझे पता है इससे कैरी नहीं होता।
भगवान सबको नहीं यार, मैं तो सेल्फिश हूँ, मुझे दो। तो फ्रेंड्स कुछ अच्छे बैग मेरे को दिखे लेकिन मैंने लिए नहीं, क्योंकि मैंने नेट पर भी कल परसों से देख रहा हूँ, तो एक बार वो भी देखना है क्योंकि प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, नीतू भी आ गई है। नीतू लेट क्यों हो गई यार? बोर्डिंग स्टार्ट हुई नहीं है। होगी बोर्डिंग स्टार्ट, कुछ लिया तूने? मैंने कुछ भी नहीं लिया, बर्गर लेने भूख लग रही है। हाँ ले लेना ये रहा पीछे बर्गर किंग। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम कुछ फास्ट फूड खा रहे हो, मुझे भूख नहीं है। नीतू फाइनल कॉल चल रही है, जल्दी आया यार, कहाँ रह गई थी? चल फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद वी आर ऑन अ वे टू दिल्ली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एयरपोर्ट पे पिक करने ड्राइवर अंकल आ जाएं, क्योंकि अभी कुछ कच्चा पक्का है, पापा ने अपने किसी काम से भेजा हुआ है उनको यार, लेकिन आ जाना यार। ऐसे टाइम पे हमेशा कुछ ना कुछ जाता है, जब हमारा कहीं ट्रैवल का होता है ना, कुछ ना कुछ हो जाता है। ढूंढो अगर आप किसी ड्राइवर को जानते हो प्लीज हमें बताना यार, हमें एक फुल टाइम ड्राइवर चाहिए। हाँ होता क्या है ऐसा, मेरे टाइम पे नहीं, यश के टाइम पे हुआ, लाइक यश जब जा रहा था तब भी कोई ड्राइवर अंकल नहीं थे, मैं तो उसको उस टाइम ड्रॉप करके आ गए थे, लेकिन मेरे को लेने कौन आया, यश भी नहीं, करण भी नहीं घर पर। हम पहुंच गए हैं दिल्ली में वापस, और सच बताऊं इतना अच्छा वेदर हुआ है यहाँ पर भी, मुझे लग रहा था यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी एंड ऑल। रखो बैग, तुम्हारी वजह से हमें आधा घंटा लेट होना पड़ा, सॉरी यार। चलो जल्दी बेल्ट नंबर 3 बता दो, जबकि आया था 1 पर। यहाँ कहाँ जा रहे हो? उधर एग्जिट। लखन को देखो, लखन ऐसे देख रहे हैं जैसे कि लखन को पता है कि कहाँ पर कार आने वाली है। ओके तो लखन की कार आ गई लखन को लेने, चलो सामान लिया जाए। फाइनली वी आर बैक इन दिल्ली। तो फाइनली वी आर बैक इन दिल्ली, और आती सबसे पहले मैंने अपना कैमरा ऑन करा है ताकि आपको अब अच्छी क्वालिटी में ब्लॉग देखने को मिले। सफर बहुत अच्छा रहा, फ्लाइट बहुत डेंजरस थी, मैं तो बहुत डरते डरते आया, मैंने खाना तक दिखाया, आप सोचो क्या हालत रही होगी मेरी। और एक ये है, बहुत मजा आया मुझे तो। तुझे टर्बुलेंस में मजा आता है? मुझे अच्छा लगता है, जैसे लगता है राइड कर रही हूँ मैं कोई। भगवान इसको नॉर्मल कर दो भगवान प्लीज। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, सोसाइटी के अंदर एंटर कर गए, और घर जाके मुझे इंतजार गुची के रिएक्शन देखने का। और आज मैंने और नीतू ने क्या करा है, नीतू डिसाइड किया कि गुची पहले किसके पास जाएगा? डिसाइड क्या करा है यार, ये डिसाइड हमने थोड़ी करा, तो गुची डिसाइड करेगा। हमने क्या प्लान किया है कि हम लोग जाएंगे और गुची को पहले हमने बंद कर दिया, हम आवाज देंगे गुची गुची, देखते हैं गुची किसके पास आता है रूम ओपन करके। भाई ये ना इसीलिए मैं इसको कैमरा कम देता हूँ, हमने बंद नहीं किया है, हमने ऑलरेडी उसको घर पे बोल के बंद करा दिया रूम में, हम दोनों सामने बैठेंगे देखेंगे गुची। तो समझ सब में है यार, मतलब मेरे हाथ में क्या, मैं बकवास करती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। बकवास करती है बताओ। ये तो चीटिंग मत करियो ठीक है? नहीं, हाँ बस दोनों लाइन पर रहेंगे, एक एक बार गुची बुलाएंगे ठीक है? ओके। अच्छा हम लोग घर में एंटर हो गए लेकिन गुची ने रूम के अंदर बंद है, अभी हम इसलिए नहीं गेट खोल रहे क्योंकि फिर वीडियो कौन बनाएगा, उसको पता चलेगा देखो आवाज सुन के। गुच्चू गुच्चू कितना खुश है भाई, कितना खुश है गुची। ट्रीट दे दो, ट्रीट दे दो। तो फ्रेंड्स मैं फाइनली घर आ गया हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश यार। बहादुर भाई कैसे हो? मेरे को मिस करा ना करा? इंडिया का मैच चल रही है वो भी ना देख रहे तुम यार दोस्त। हाँ। हाय करो, हाय ऐसे, हाय बोलो, लखन भैया को फॉलो करो, बोलो लखन भैया को फॉलो करो। भाई दूध बना दो मेरे लिए। मम्मू नमस्ते, बैठो बैठो बैठो, नमस्ते। अरे रौनक उतरी पड़ी है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़े से ना चक्कर आ रहे हैं मम्मी को, मुझे फोन पे ऑलरेडी बता दिया था। अच्छा मैं आपको बताता हूँ इनको सर दर्द क्यों हो रहा है, एक वीडियो डाल रहा हूँ जरा देखना एक बार। इसलिए हुआ इनके सर में दर्द, भरी दोपहर में गांव में जाके नाच रही थी, और इतना नाची इतना, और नाच क्यों रही थी ये, तो क्यों नाच रही थी आप? क्या कौन सा फंक्शन था, क्या था वहाँ? अच्छा भागवत थी, इतना नाची इतना नाची के। भाई होगी फोन पे बात आपकी? भाई की सारी मीटिंग यहीं चलती रहती है। भाई और मम्मी को आते ही
हमसे पहले पूछता है क्या क्या हुआ, एक एक सेकंड की खबर बताओ। बहुत अच्छा ही रहा है, भर भर पास्ता, भर भर पिज्जा, भर भर पता नहीं क्या क्या खा रहे। मैं तो खाता ही हूँ यार, और क्या। वहाँ जाके याद नहीं करती, डांट पड़ने से पहले ही पाई को मना लिया। वैसे चीज खा रही थी वहाँ भाई, एक स्लाइस खाती पिज्जा की, इतना टेस्टी पिज्जा, इतना टेस्टी, सच में भगवान। पिज्जा बर्गर भाई बहुत टेस्टी था सही में। मम्मू मैं तो सोचा था आपके लिए पैक करा लूं, लेकिन सूख जाता पूरा। नहीं सब तुम ही खाई आते फिर रास्ते में, जब तुम्हें इतना टेस्टी लगा। वैसे ये बात तो सही बोली आपने, 100% बात सही बोली है। पिज्जा बर्गर के उसको तो हम ही खाई आते रास्ते में, और क्या। मेरे लिए कौन ला रहा है मम्मी, आप विश्वास करोगे मैंने फ्लाइट में खाना नहीं खाया आज। क्यों पूरा इधर तक भाई, मानसून की वजह से, मतलब बाहर देख रहे हैं ना खिड़की से, तो सिर्फ व्हाइट व्हाइट बादल ही दिख रहे हैं भाई, और ऐसे 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 पूरी फ्लाइट आई है 2 घंटे। मैं तो प्रभु श्री राम को याद करता आया हूं। कही कि अपने टाइम से ऐसी वाली फ्लाइट लो जिसमें। अरे तो मुझे क्या पता ऐसी वाली कौन सी फ्लाइट, हमें अब तो मानसून आ गया। नहीं तो इनामों को चबा भी लेना। जैसे मतलब बाबू को हम चिनोली देते हैं ना, नहीं हुई हवा में खा जाता, सटक लेता। आम तो भाई आपने गलत टाइम पे खोल दिया, हम खा लेते गया और सटक लिया है। चबा कहाँ पे रही है, अंदर भी दांत लग रहे हैं कुछ गले में। मुझे ना खाने, मुझे नहीं खाने देंगे। दांत कहाँ, तू पेट हल लेता। हाथी के जैसे मतलब होते ना, दो तरह के दांत, इसके भी दो ही है, इसके गले में भी है, यहाँ पे भी। मैं काफी टाइम के बाद आम खा रही हूँ। नहीं तो अभी तू काफी टाइम के बाद कब खा रही है, जैसे मुंबई का है। हाँ मुंबई तो 2 दिन, 2-3 दिन रही है ये। सुनो वैसे आम कितने खा ले भाई, को एक सरप्राइज ही अभी दे दे भाई आप। अच्छा पहले भाई से ही पूछ रहे हैं, ये कितने आम खा लेते हो भाई दिन के? 5-4-5 आम खा जाती होगी। ये तो बता, 10-12 4-5 किलो में खा ले है। आप क्या सोच रहे भाई, 4-5 मत खाओ, 4-5 किलो खाओ। किलो भाई अब खा रहा। अब छोड़ा क्या है, अरे छोड़ा क्या है, तो बता। ये तो गलत चीज खोल दी, क्या तू 10 खाएगी, जब 1 तो खा ही लूंगा मैं। चल कोई बात ना, तू खा। स्पीड तो वही है नीतू, जब तक 5-6 पीस ले रहे, जब पाई कह के का नंबर आएगा देखना। देखो वो एक ही पे है, और मैं एक बार में लगा भी, दो पीसों पे रही है। देखो 2-3 एक बार में 2-3 पीस पकड़ रही है, और भी नहीं बहुत सारा, अभी तो पेटी रखी है। पेटी तो गलत बता रही हूँ मैं, पेटी ले जी यार, आम की पेटी। हाँ भाई सुपर स्टार, तेरे वाले स्टार की स्पेलिंग ISTAAAR एस्टार। कल वाली जो हैप्पीनेस वो मैंने लोगों को बताई नहीं है, AST सरप्राइज बना के रखा है मैंने। ठीक है तो फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच, और अब थोड़ी देर बाद एडिटिंग पर बैठ जाऊंगा, बाकी व्लॉग होता है यहीं पर एंड। अगर आपको अच्छा लगा, आपको पता है क्या करना है, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।